गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हम लोग जा रहे हैं मनाली। बस में बैठ के मैंने व्लॉग करना शुरू किया क्योंकि हमें पहुंचना था 8 बजे और हम लोग पहुंचे 8:15 8:16 पे। कैसा राइड रहा, बीच में बिल्कुल मन नहीं था, इतना टेंशन हो रहा था, बस छूटने वाली थी, छूटते छूटते बस पहुंचे ही हैं हम लोग अभी। वॉल्वो, सॉरी वॉल्वो, हाँ बस नहीं, वॉल्वो से जा रहे हैं, बस से नहीं जा रहे हैं। और यहाँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज बहुत टाइम के बाद किसी ट्रिप पे जा रही हूँ। जाना तो बाहर था गाइस, मेरे को बाहर जाना था, इंडिया के बाहर, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए मनाली से, मनाली इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल और वहाँ पे अभी स्नोफॉल बोल रहे हैं कल होगा, आई डोंट नो, लेट्स सी। और या तो बस यही बताना था मुझे, और इतना मेरे कैमरा मुंह के पास के लेकर आ रहा है। रिफंड करो तुम नहीं कर रहे तो 2 घंटे हो गए तुम्हारे दोनों के बेबियर को भैया कहे के बात कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रही है। दो घंटे हो गए तुम्हारे दोनों के बेबियर को भैया भैया कहे के बात कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रही है। ना तेरी समझ में नहीं आ रही है, नहीं तेरी समझ में नहीं आ रही है, तेरी समझ में नहीं आ रही, तेरी समझ में नहीं आ रही है। बस भैया गाड़ी में बोला था कि 5 मिनट रोक लो, तुम बंदे को भगा, जहाँ हो वहीं बोलो, तेरे को पता, जहाँ हो वहीं बोलो, नहीं रुके एक्स्ट्रा बोलने के लिए तो किसी ने परमिशन ना दी तुमको अभी तो भाई, नहीं तो कुछ नहीं बोलोगे क्या तुम, नहीं कुछ नहीं बोलोगे क्या? अरे बस भाई लड़ने का थोड़ी कुछ हो जाएगा, खाने लग रहा है दिमाग, खाने लग रहा है टाइम से। नहीं भाई ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा दिमाग ना खा रहा कोई, ये तुम्हारा काम है, अच्छी तरह से दिमाग में उतार लो। जैसे काम है बस काम से हिसाब से, हाँ तो कुछ भी नहीं। अरे बस भाई हाँ किस, क्या लिखे थे मतलब तो बता दे इसका, किसी का उपकार लेने के लिए थैंक यू बोलते हैं, मतलब कोई छोटी सी भी चीज करते हैं आपके लिए तो आप उसके लिए बहुत थैंक्स फील करो, थैंक्स बोलने से नहीं होता ना, अगर आप फील करोगे। क्योंकि गाइस जो हमारे ड्राइवर ने गया था जिन्होंने हमें तो जल्दी जल्दी पहुँचाया, बेचारे कितना तेज चला रहे थे, और मेरे को तो रैश ड्राइविंग ऐसे ही पसंद नहीं, मैं बिल्कुल मैं होती तो मैं तो चलाती ही नहीं, चाहे कोई भी होता, किसी को भी लेट हो रहा, मैं अपनी स्पीड में चला। पेट्रोल पंप के पास खड़े हैं आप, जो लक्ष्मी होटल की गाड़ियाँ बढ़ती है, ये तो कर क्या रही थी लोग, इसको मैं आगे आगे बात पेट्रोलियम, मेरी आवाज और सुनो क्योंकि मुंह तो लहू का कलर दिखाई दे रहा है, जो बात पेट्रोलियम है मैंने से बोला साथ में निकल जाएंगे भाई, खड़े हैं ना आप, अपना सब कुछ आप लेंगे सब, कोई 82 नंबर गाड़ी आ रही है येलो कलर की गाड़ी, जैसे मैं इसके पास आया इसको पिक करो, भाई साहब ना तो बैग पे ना जूते पे, हेलो ना खुद रेडी, ब्लॉग देख रही है और टीवी देख रही है, संभावना सीट पर ठीक है, आइलैंड का ब्लॉग भी जा मनाली थाईलैंड का व्लॉग देख रही थी गाइस, मैं तो ये सोच रहा हूँ थाईलैंड जाने का बहुत ज्यादा क्या करूँ, लेकिन गरीब गरीब लोग मनाली, हेलो मैं तो ये सोच रहा हूँ मान लीजिए दिन थाईलैंड गई, हेलो उस दिन आते ही कपड़े लेके जाएंगे कुछ, क्योंकि भाई साहब बैंक से खरीदेगी, और दूसरे दिन इतना एक्साइटमेंट भी मुझे लग रहा है, कोई जोर से मैं मरना है, क्योंकि कमजोर दिल की है, इतना सा दिल है, इतनी सी बुद्धि है। चलो भाई जब मिलते हैं हम थोड़ी देर में, नहीं लड़ाई है सर, थैंक यू, हाँ भैया जय हिंद। भैया गाइस मैं आपको बता दूँ, जब हम लोग मनाली का प्लान कर रहे थे उस टाइम पे हमने सोचा था कि मेरी गाड़ी थार लेके जाएंगे, बिकॉज हमने जब ली थी और हमने जब सोचा था कि मेरा जब हाथ साफ हो जाएगा इस गाड़ी पे तो हम लोग इसको पहले पहाड़ी लेकर जाएंगे, लेकिन फिर मैंने कुछ कुछ वीडियोज देखी जिसमें कि सबकी गाड़ियाँ फिसल रही थी, तो फिर हम लोगों ने फाइनली बस देखी, वॉल्वो देखी, वॉल्वो ढूंढी तो इसका मुझे सही लगा क्योंकि बहुत महंगा मिल रहा था, हम लोग जैन बस से आए, ये तो ऐड नहीं है, मैं नॉर्मल बता रही हूँ आपको, और इसका हमें 2 लोगों का पड़ा 1600 का, 800 की एक डिस्काउंट के बाद, पहले 1000 की पड़ रही थी,
उनके लोग आए नहीं अभी तक, फिर चिप्स के पैकेट आए थे लेके चढ़े थे, बुरा तो था। थैंक यू, नमस्ते जी। मैंने चाय पी ली है और हम लोग ने सुबह के लिए मैंने चिप्स लिए। हम लोग हमेशा वो खाते हैं क्या, आम पापड़ ना, आम पापड़ खाते थे, तो इस बार मैंने नहीं लिया क्योंकि इस बार मेरे को मोटा नहीं होना। सिर्फ इसलिए ये है जगह जहाँ हम रोका है हमको स्वागतम, स्वागतम का टी गायब हो रखा है। अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं क्योंकि मेरे पैर सो चुके हैं बस में बैठे बैठे, वॉल्वो में बैठे बैठे। और बस अभी चाय पी है। मेरे को इतना आधा मन मेरा इसलिए नहीं करता है ट्रैवल करने का, मतलब मनाली का, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी हो जाती है और मैं थक जाती हूँ। मतलब मेरे को चाहिए भैया 2 घंटे में पहुँच जाओ जल्दी जल्दी जहाँ पर भी जाना है। बस अभी थोड़ी देर में वॉक करके, जितने में पैसेंजर्स खाना खा रहे हैं तब तक हम लोग वॉक करके फिर जाएंगे, क्योंकि अब तो बैठना ही है पूरी रात। सुबह सुबह हम पहुँचे होंगे मनाली में, तो यहाँ से फिर मैं सीधा आपको मनाली में ही मिलूँगी। और चाय के साथ, चाय के साथ मनाली, मनाली आ गए हैं। कैसे आए हैं मत पूछो, सफ़र ऐसे तो मैं मनाली कभी भी नहीं आई हूँ। इतनी वॉमिटिंग हुई है मुझे, मतलब अच्छा था एक्सपीरियंस, लेकिन बस इतनी तेज़ चला रहा था, मतलब इतना ज़्यादा तेज़ चला रहा था, मेरे को चक्कर आके, मतलब एवरी बडी द पर्सन वॉमिटिंग। एनी वेज पहुँच गए जैसे तैसे, और अब यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने ड्राइवर भैया का, वो आएंगे फिर हम यहाँ से जाएंगे अपने होटल। होटल भी नहीं है, इट्स जैसे डोम वाला आपने देखा होगा ना, ग्लैम्पिंग क्लब है तो उसका नाम। एंड यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो कब आएंगे, तो जाएंगे यहाँ से। एंड धूप आई हुई यहाँ पर काफ़ी अच्छी, देखिए हमारा पहला होटल आएगा, बताओ। गाइस हम लोग यहाँ पे पहले रुके थे इस वाले होटल में, अभी आएगा ये वाला ना, पास प्यास। और यहाँ पे हमारा लास्ट जो स्नोफॉल हुआ था, हाँ हम जो फर्स्ट टाइम आए थे मुझे स्नोफॉल देखनी थी, और स्नोफॉल हो ही नहीं सारा टाइम, हम कम से कम 1 हफ्ता रुके थे। तो एंड डे जिस दिन हमको जाना था उसके पहले दिन हो गई स्नोफॉल, बहुत अच्छी स्नोफॉल देखी। इस बार भी थोड़ा मुश्किल ही है क्योंकि हम लोग आए भी बहुत अब आए हैं, ऑलमोस्ट फेब्रुअरी पीक टाइम के बाद, आए हैं हम लोग, क्योंकि बहुत रश भी था सबको कि मनाली आए हुए थे। मन भी नहीं था, देख रखा था तो फिर वही था, थोड़ा एक्साइटमेंट कम था। ये तो ये है कि गरीबों का प्लान बन गया जल्दी जल्दी, थाईलैंड पर भी जा नहीं सकते तो चलो कहीं और चल लेते, तो मैंने कहा मनाली चल रहे यार कहीं तो चलते। बस अभी हम लोग हफ्ता जो हमारा ग्लैम्पिंग क्लब है वो हफ्ता में है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी सबसे ऊपर जो है, थोड़ा सा वहाँ थोड़ी और ठंड होगी, यहाँ तो धूप आ रखी बहुत बढ़िया, मस्त धूप आई हुई है। धूप तो आती हुई यहाँ, मेरे आँखों में इतना दर्द हो रहा है। हे गाइस तो हम लोग अभी पहुँचे हैं और हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मैंने जैसा आपको बताया था कि इतनी वॉमिटिंग हुई है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। तो ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, बाकी जो भी प्रॉपर्टी है वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपने दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना एंड शेयर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप नए हो। दैट इज़ सम
दैट इज कीर्ति चांदोके।